अब इस खूबसूरत बज़्म अल्फाज़ो आवाज़ का अख्तिताम हम करने जा रहे हैं, वो भी साहिर के मशहूर नगमे के साथ। आपसे गुजारिश है कि इसे आप सुनिए, और इसमें भी हम वो कड़ियाँ पेश करेंगे जो फिल्म में नहीं थी, आपने कभी सुनी नहीं है। ये भी बड़ा मशहूर नगमा है साहिर का, फिल्म कभी कभी का ही है। और आप देखें कि किस मेयार की शायरी फिल्मों में की जाती थी, जिसे हम फिल्मी नगमा क्या कहें, वो हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड क्लास लिटरेचर की जो हमारे पास साहिर पहुंचाया करते थे आसान जबान में, उसमें भी हम देखते थे कि एक सामाजिक संदेश हुआ करता था। और ये जो नज़्म है ये बड़ी रूहानी है, बड़ी फिलोसफिकल नज़्म है, और इसके वो अंतरे जो साहिर ने लिखे थे और यश चोपड़ा जी ने अपनी फिल्म में नहीं रखे थे, हम आपको सुनाकर इस खूबसूरत बज़्म का इख्तिताम करने जा रहे हैं। मैं पल दो पल का शायर हूँ, कुछ तेरा है कुछ मेरा है जो मेरे गीत में शामिल है, कुछ तेरा है कुछ मेरा है जो मेरे गीत में शामिल है, कहने सुनने का ये रिश्ता मेरे गीतों का हासिल है, जब भी मुझसे कोई गीत बना तेरा भी उसमें दर्द मिला, अपनी ये साझा कोशिश थी जो भी दुनिया ने गीत सुना, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। एक फसल है धरती की, आज उगती है कल कटती है, हर नस्ल एक फसल है धरती की, आज उगती है कल कटती है, जीवन वो महंगे मदिरा है जो कतरा कतरा बटती है, सागर से उठी लहर हूँ मैं, सागर में फिर खो जाऊंगा, मिट्टी की रूह का सपना हूँ फिर मिट्टी में सो जाऊंगा, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है,
पल दो पल मेरी जवानी है। कल नई कोपलें फूटेंगी, कल नए फूल मुस्काएंगे और नई घास के नए फर्श पर नए पांव इठलाएंगे। पल दो पल में कुछ कह पाया इतनी ही सादत काफी है। पल दो पल तुमने मुझको सुना इतनी ही इनायत काफी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, मैं पल दो पल का शायर हूँ, मैं पल दो पल का शायर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अल्फाज और आवाज़ की जानिब से हम आपके ममनून और मशकूर हैं। अब देखिए कितनी मुखलिसी से, कितने इनकिसार से, कितनी नम्रता से साहिर ने अपनी बात रखी है। उर्दू के जो अजीम शोरा होते हैं उनमें एक जौम व गरूर होता है, उनमें एक अहम होता है। फिराक फरमाया करते थे कि कह दो कि फिराक आज यहाँ नरम रवा है, इस दौर में अकली में सुखन का वो शहनशाह। पर साहिर कह रहे हैं कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ़ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ। पर शायरी पल दो पल की नहीं होती, जैसा किड्स फरमाते हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। तो यह साहिर ने जो अल्फाज हमें दिए हैं, जो तोहफ़ा हमें अपनी शायरी का दिया है, वो दायमी है, वो नगमय जावेद है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, फना नहीं हो सकता, हमारे दिलों में राज करता रहेगा। मैं अल्फाज आवाज़ की जानिब से, अपनी टीम की जानिब से बेहद बेहद शुक्रगुजार हूँ श्लोक ध्वनि फाउंडेशन का, आप सभी हजरात का जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। सभी ने अपनी मसरूफियात के बावजूद इस बज़्म को नवाजा है और हमें इतना वक्त दिया है। और मैं राजेश से मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा हमारे म्यूजिशियंस का, दोस्तों का, धीरज हमारे साथ हैं हैंड सोनिक परकशंस पर, इनके जोरदार तालियां, ये हमारी बुनियाद यही रखी जाती है मौसिकी की। महेंद्र हमारे छत्तीसगढ़ के बेहतरीन तबला नवाज, दादा बहुत ही सीनियर म्यूजिशियन सत्यनारायण मुदलियार, और आपके अपने विकास हमारे साथ आज पहली बार ही है गिटार पे, और हमारे एक शुक्रिया अरब साउंड जिनके माध्यम से आप तक बात पहुंची, रफीक भाई, शुक्रिया हमारे सतीश दुबे हमारे साथ जो हमेशा रहते हैं, और
शुक्रिया श्लोक ध्वनि, शुक्रिया आप सभी का।